इस बच्चे ने तो भैया जादू कर दिया है। देखिए बिल्कुल मुंह कैसे बनाए हुए है, ये आंखें काट रही हमारी और है, देखो ये देख रही है, और इसकी देखिए पहले ये नाक चुआ रहा है, जवान भी काट रहा है, ये जलवा है इसका। हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? ये सब पूरा परिवार हुआ है, ये जो है पूरे परिवार के बच्चे आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? ये भैंसिया जो है लौट गया है नान, उसको देखने के लिए आए हैं। हम आपसे आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं, और ये भी बच्चे भी अच्छे हैं। देखो कैसा आंखें घूर के देख रहे हैं, ये देखो कैसा मुंह बना रही है ये लड़की। तो आप भी अच्छे होंगे, लड़की भी अच्छी है, हम सभी लोग अच्छे हैं, आप भी अच्छे ही होंगे, और हम आशा करते हैं। हाँ दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे सामने ये जो रामकली है, हमारे गुस्से के आज बरसीम नहीं है, बरसीम जो है ख़त्म हो गई, हमारा पशु सांड चढ़ गया है। तो आप नान की हालत देख रहे हैं, क्या कर दिया है, मारे गुस्से के लौट दिया है, ये अपनी थाली फोड़ डालेंगी तो हम काहे में इसको खाने को देंगे। जरा इसको समझाइए भैया लोगों, ये बहुत नाराज़ है, गुस्सा है, ये चारा देखो सब फेंक दिया है और मुँह फेर रही है, और जुगुर जुगुर हमारी बात देख रही है, ऐसे ऐसे आँखें काट रही है, ये तरीका इसका गलत है। अब इसकी हम नान शूट कर देंगे दोस्तों, तब ये खाएगी, जरा पीछे से हटा लो और डाटो अब दोस्तों, इसकी हम नान पीछे कर दिया है, अब ये गुस्सा है तो इसको हम मनाएंगे, इसके हमें चारा ढिलेंगे, आटा मिलाएंगे तो ये खाएगी। हाँ ये देखो सभी बच्चे जो हैं हमारे मोहल्ले के परिवार के आ गए हैं, ये सब हमारी एक्टिंग देखने आए हैं, यूँ एक्टिंग देखने आए हैं, देखो कैसा खुश है, अरे लड़कों को देखो, अरे वाह ब्यूटीफुल लग रहा है, ये है बच्चे, ये सब बत्ती इसी निकाल रहे हैं। तो दोस्तों आप कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। अब अभी हम सेंटर से आए हुए हैं, अरे प्यास बहुत जोर लगी, पहले हम बोतल में पानी भरेंगे नल का, फिर हम पियेंगे, फिर आपसे बात करते हैं। हम पानी पी लिया भैया जी, हाँ दोस्तों हम पानी पी चुके हैं, हमारे जान आ गई है, वो आपको हम दिखाते हैं। जो सामने जो है ये रेखा जी हैं, जो गन्ना सूख गया है उसकी व्यवस्था कर रही है, लकड़ी काट रही है, वही डोरे बोझ बांध कर रखेंगी, फिर बोलो खुद बोलो, वही खाना भी बनाएंगे, उठाने जा रहे हैं, काटे दे रहे हैं, ये बारने के लिए सब इकट्ठा कर रहे हैं। और भैया जी हमारे यहाँ जो है ये पौधे जो लगे हुए हैं गुलाब के, बहुत अच्छे फूल सुंदर सुंदर लगे हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको पूजा प्रतिष्ठा की आवश्यकता हो तो आप हमारे ग्रामवासी ले जा सकते हैं आपके लिए फूलों का। अच्छी बार ये लड़की जो आई हुई है वो भी प्यासी थी, देखो खुश है, अभी इधर भी आते हैं। आपने देखा होगा ये बांस जो एक लंबा लंबा रखा हुआ है, आपने देखा होगा ये जो धनिया का बांस रखा हुआ है, ये बांस नहीं, ये दिहाती हमारी गेट है, क्योंकि इससे अगर इसको हम ना लगाएं, इसको हम जो लगा देते हैं जो गेट है जानवर आ जाते हैं, सब पेड़ टूट जाते हैं, इसको अगर हम ना लगाएं तो रात को सांड आ जाते हैं, वो हमारा चारा खा जाएंगे, हमारी भैंसिया क्या खाएगी, वो भूखी रह जाएगी, इसलिए हमको ये सब काम करना पड़ता है। हमारे यहाँ तुरई के पौधे जो हैं, ये देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं तुरई के पौधे, और तुरई जो हो लगेंगी तो हम DCM भर के बाजार को ले जाएंगे। रेखा जी का काम है, ये हमारे यहाँ हरियाली लगी हुई है, बहुत सुंदर लगी हुई हरियाली है, आपको ऐसी हरियाली देखने को नहीं मिलेगी, देखो कैसी बढ़िया हरियाली लगी हुई है, वो भी मुफ्त की लगी हुई हरियाली है। अब ये रेखा जी हैं, ये थोड़ा नर्वस हैं, अच्छा लगा क्योंकि आप लोग हमें लाइक नहीं करते हैं, आप लोग हमें लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हम लोग नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल जो है बढ़िया से आप लोग नहीं सब्सक्राइब करते हैं, हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग नर्वस हैं। आज का ब्लॉग जो है यहीं पर समापन कर रहे हैं।